भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं वो तो माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी मा... तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी मा... नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आकिल रजा राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो हथकंडे हैं वो फेल होते चले जा रहे हैं और ऐसा ही इस बार भी हुआ है राहुल गांधी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा था कि क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए राहुल गांधी अब विदेश जाएंगे राहुल गांधी मसाज कराकर आएंगे राहुल गांधी अपनी थकान मिटाने के लिए अपनी यात्रा को रोक रहे हैं और विदेश जाकर वो अपनी थकान मिटाएंगे लेकिन राहुल गांधी जैसे ही प्रकट हुए हैं मानो सारे जो फेक एजेंडे थे वो धाराशाही हो गए जितना भी राहुल गांधी को लेकर घेरने का प्रयास किया जा रहा था राहुल गांधी को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे राहुल गांधी ने सुबह सुबह निकल करके वो सारे ही आरोप धाराशाही कर दिए जैसे ही राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आती हैं मानो घड़ों पानी पड़ जाता है उन तमाम नेताओं पर जो राहुल गांधी को विदेश यात्रा के चलते राहुल गांधी की पदयात्रा रोकने के चलते आरोप लगा रहे थे और यह बयान दे रहे थे कि राहुल गांधी अब जो है वो विदेश यात्रा पर जाएंगे और अपनी थकान मिटाकर वापस आएंगे सबसे पहले कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख देते हैं उसके बाद हम आपके सामने रखेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाटे का वो स्टेटमेंट जिन्होंने माफी मांगने की बात कही है उन तमाम नेताओं को जो राहुल गांधी को लेकर अफवाह फैला रहे थे झूठ परोस रहे थे और अनर्गल आरोप लगाकर राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रहे थे सुप्रिया श्रीनाटे ने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने रखेंगे लेकिन उससे पहले ये राहुल गांधी की कुछ तस्वीर है ये तस्वीरें जो है वो सुबह सुबह की है दिल्ली में सुबह सुबह कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी सुबह सात बजे की ये तस्वीरें हैं जो आपके सामने ये चल रही हैं ये सुबह सात बजे की तस्वीरें हैं सुबह सात बजे कड़ाके की ठंड में राहुल गांधी टी शर्ट पहने तमाम महापुरुषों के महापुरुषों के को नमन कर रहे थे महापुरुषों और वीरांगनाओं की समाधि का नमन कर रहे थे और ये जगह कुछ इस तरह है भूमि पर गए शक्ति स्थल पर गए शांति वन पर गए राजघाट का दौरा किया वहां पर जो है आ, नमन किया सदैव अटल यानी अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए पुष्पांजलि दी उसके बाद विजय विजय घाट गए समता स्थल गए और किसान घाट गए ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं और इन्हीं तस्वीरों को साझा करते हुए सुप्रिया श्रीनाटे कांग्रेस की प्रवक्ता हैं क्या लिख रही हैं लिख रही हैं कि जब भाजपाई सुबह कंबल ओढ़े देश तोड़ रहे थे तब राहुल गांधी जी कड़ाके की ठंड में देश को जोड़ने की प्रेरणा लेने महापुरुषों और वीरांगना की समाधि का नमन कर रहे थे राजघाट शांतिवन शक्ति किसान घाट वीरभूमि समता स्थल विजय घाट सदैव अटल ये तमाम है अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि दी और इन तमाम महापुरुषों को पुष्पांजलि देते हुए राहुल गांधी ने उन तमाम झूठ का पर्दाफाश कर दिया जो झूठ यह फैलाया जा रहा था कि राहुल गांधी ने अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो इसलिए रोकी है क्योंकि अब उन्हें क्रिसमस मनाने के लिए विदेश जाना है और वहां पर अपनी मसाज कर आनी है अपनी थकान उतारनी है आप बाखूबी जानते हैं कि सौ दिन से ज्यादा का समय भारत जोड़ो यात्रा को चलते हुए हो गया है और यह यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने वाली है जैसे ही दिल्ली पहुंची तो डेट थी 24 दिसंबर और पहले ही यह राहुल गांधी यानी उनकी पार्टी की तरफ से कह दिया गया था कि अब जो है भारत जोड़ो यात्रा को विश्राम दे दिया जाएगा और फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी तीन जनवरी से यानी पच्चीस दिसंबर से दो जनवरी तक के बीच जो है विश्राम दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा को और इसी टाइमिंग को लेकर झूठ फैलाने का प्रयास किया गया राहुल गांधी को लेकर यह कोई पहला झूठ नहीं है पहले दिन से जब से राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है तमाम झूठों के बीच जो है राहुल गांधी को रोकने की घेरने की का जो है प्रयास किया गया है लेकिन जैसे ही राहुल गांधी सुबह ही सुबह प्रकट होते हैं तमाम झूठ धाराशाही हो जाता है और वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं मुंह बंद हो जाता है उन लोगों का जो राहुल गांधी को लेकर गलत प्रचार कर रहे थे झूठ फैला रहे थे और कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी विदेश निकल गए हैं बहरहाल यह यात्रा जो है वो 25 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक रुकी रहेगी और 3 जनवरी से फिर से शुरुआत होगी और इसी को लेकर जो है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाटे ने माफी मांगने की बात कही है और कहा है कि क्या अब माफी वीर फिर से माफी मांगेंगे सुनिए आप ये भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बदमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर नेहरू जी की समाधि पर इंदिरा जी की समाधि पर राजीव जी की समाधि पर चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे शास्त्री जी की समाधि पर भी और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए यह झूठ बोलने के लिए तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम आप देखिए कि राहुल गांधी को लेकर जब ये कहा जाता है कि राहुल गांधी खुद कंफ्यूज हैं तो उन्हें घेरने का प्रयास किया जाता है अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दम नहीं है तो राहुल गांधी का इतना पीछा क्यों किया जा रहा है हर एक तंत्र लगाकर राहुल गांधी को अपमान करने का बदनाम करने की कोई कोर कसर क्यों नहीं छोड़ी जा रही है राहुल गांधी को बार बार निशाने पर क्यों लिया जा रहा है और पूरा प्रचार तंत्र जो है वो राहुल गांधी को बदनाम करने में लगा हुआ है और इसके आपको कई प्रमाण मिल जाएंगे और ऐसा ही फिर से हुआ और हर बार उनके झूठ नाकाम होते हैं लेकिन ऐसे में कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं राहुल गांधी बार बार यानी इस पूरी यात्रा को कांग्रेस के प्रवक्ता और खुद राहुल गांधी ये कई बार कह चुके हैं कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है यह भारत जोड़ो यात्रा है और भारत को जिस तरह से जो ताकते हैं वो कमजोर कर रही हैं उनको हराने के लिए और भारत को एक प्लेटफॉर्म पर एकता से जोड़ने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि इस समाज में जो नफरत फैलाई गई है उसको मिटाने के बाद उनको दूरी जो नफरत है उसको दूर करने के बाद मोहब्बत लाई जाए और लगातार राहुल गांधी मोहब्बत की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं नफरत मिटाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी हर एक स्पीच में वो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो इस तरह के नारे देते हुए नजर आ रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब जो है वो एक साथ लाना है और जैसे ही राहुल गांधी ये सब चीजें करते हैं इसमें कुछ चीजें आपके सामने हम रखने वाले हैं कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक का सफर इस भारत जोड़ो यात्रा का कंप्लीट हो चुका है और 24 दिसंबर के दिन राहुल गांधी ने दौरा किया हजरत निजामुद्दीन दरगाह का इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं जरूरी है राहुल गांधी के जाने से कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ऐसे वक्त में राहुल गांधी का निजामुद्दीन पर पहुंचना जब हर कोई मुसलमान या फिर मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाता हुआ राजनेता नजर आ रहा है ऐसे वक्त में राहुल गांधी बिना भेदभाव के कन्याकुमारी से लेकर जो भी टेंपल पड़ा हो जिस भी धर्म का धर्मस्थल पड़ा हो सभी धर्म स्थलों पर अपनी दस्तक देते हुए दिल्ली पहुंचे हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल उन्होंने आकर निजामुद्दीन दरगाह में जाकर जब उन्होंने अपनी ए लगाई उस वक्त दी कि हां वो वाकई जो उनकी यात्रा है वो सभी धर्मों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और हम भारत को जोड़ने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं सभी धर्मों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन में दरगाह में हाजिरी लगाना बड़ी बात नहीं है लेकिन ऐसे वक्त में हाजिरी लगाना कि जब सारे ही राजनेता कथित तौर पर अपने आप को दूरी बनाए हुए हैं एक खास धर्म से ऐसे वक्त में राहुल गांधी बिना कुछ ये सोचे समझे कि उन्हें इससे राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा राहुल गांधी हर धर्म में हर धर्म के धर्म स्थल पर एंट्री करते हैं दस्तक देते हैं चाहे वो गिरजाघर हो चाहे फिर वो गुरुद्वारा हो मस्जिद हो मंदिर हो तमाम धर्म स्थलों पर दस्तक देते हुए वो दिल्ली तक पहुंचते हैं तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी बिना कुछ सोचे समझे सभी को धर्मों का सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी को एक साथ लाने की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से अगर राहुल गांधी की ये यात्रा असरदार नहीं होती तो फिर क्या राहुल गांधी का इतना पीछा किया आ, किया जा रहा होता यह सोचने की बात है क्या नहीं लगता कि जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं जो झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर बार उनका झूठ जो है वो सामने आ जाता है अब आप सोचिए कि यह जो झूठ था ये कौन लोग फैला रहे थे कि राहुल गांधी विदेश जाएंगे जबकि राहुल गांधी अगले ही दिन सुबह में तमाम महापुरुषों में राजघाट में और वहां पर पुष्पांजलि देते हुए नजर आ गए अब सोचिए कि उनके सबके मुंह बंद हो गए और फिर से तीन जनवरी से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और जो उनका नारा है सबको साथ लाने का उसी के साथ वो आगे भी बढ़ रहे हैं और यहां पर हम फिर कहना चाहेंगे कि, कि किसी धर्म स्थल पर जाकर किसी राजनेता का इतना बड़ी बात नहीं है कि वो 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 जाएंगे तभी वो चीज होगी लेकिन ऐसे वक्त में जब कुछ विचारधाराएं काम कर रही हो ऐसे वक्त में जब किसी धर्म से दूरी बनाई जा रही हो धर्म विशेष के लोगों से दूरी बनाई जा रही हो ऐसे वक्त में राहुल गांधी बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म स्थलों पर अपनी दस्तक दे रहे हैं तो यह एक बड़ी बात है बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप क्या समझते हैं क्या वाकई नफरत के खिलाफ जो देश में नफरत फैली है उसके खिलाफ राहुल गांधी का यह बड़ा कदम है क्या आपको लगता है कि इससे जो सामाजिक दूरियां आई हैं जो भेदभाव की नजर से देखा जा रहा है और जिस तरह से यह प्रचार तंत्र जो काम कर रहा है खास करके गोदी मीडिया जो नफरत फैलाने का काम कर रहा है उससे छुटकारा मिलने का यह एक कदम आ, माना जा सकता है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसी तरह के एनालाइज देखने के लिए आप एआर न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि हमें कोई सुझाव की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप बिना झिझक अपना सुझाव दे सकते हैं शुक्रिया सब्सक्राइब ना एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट